गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल लाइफ सेशन टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड फॉर दशन वी हैव मिस्टर युद्धवीर सिंह असिस्टेंट जनरल मैनेजर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग मैक्स हॉस्पिटल साकेत वेलकम युद्धवीर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स क्या करते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मैंने आपको बताया कि पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन डिलीवर करता है जो हमारा नेचुरल एयर है एयर के अंदर हमारे 21% परसेंट ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है उस एयर में से 25, 21% परसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप पेशेंट को डायरेक्टली डिलीवर करता है इन फॉर्म ऑफ 93 थ्री टू नाइन्टी फाइव परसेंट प्योरिटी में और जो नेचुरल एयर के अंदर में आपकी नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेज हैं वो उनको एलिमिनेट कर देता है एंड पेशेंट को डायरेक्टली प्योर ऑक्सीजन डिलीवर करता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स कैसे काम करते हैं ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक फ़िल्टर्स होते हैं उस फिल्टर्स के थ्रू जो भी आपकी नेचुरल एयर है उसमें से नाइट्रोजन एंड अदर जो गैसेज हैं वो अब निकाल देता है और ओनली जो 21 परसेंट जो ऑक्सीजन है वो आपको पेशेंट को डायरेक्टली डिलीवर करता है एक प्योर ऑक्सीजन फॉर्म में क्या ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर्स कोविड पेशेंट्स को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर कोविड पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं मैंने आपको बताया कि कोविड पेशेंट में अगर आपका सेचुरेशन लेवल 94 परसेंट से अगर कम हो जाता है तो उस केस में पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको घरों के अंदर में या फिर आइसोलेशन रूम के अंदर में आपको ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर में जो फ्लो मीटर होता है आपको फ़्लो सेट करना है किसी पेशेंट को टू लीटर पर मिनट की रिक्वायरमेंट है किसी को फाइव लीटर की किसी को टेन लीटर की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर केवल दो तरह के होते हैं जिसमें एक आप जीरो से लेके फाइव लीटर तक आप डिलीवर कर सकते हैं और एक जीरो टू टेन लीटर के लिए आते हैं उसमें रेगुलेटर्स लगे होते हैं उन रेगुलेटर के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को तीन लीटर देना है पाँच देना है या दस लीटर देना है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को कब यूज़ करना चाहिए हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को जब पेशेंट का सेचूरेसन 94 परसेंट से कम हो जाए उस कंडीशन में हमें यूज़ करना चाहिए इसके लिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए घर पे जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए अगर आपको लगे कि आपका सैचुरेशन 94 परसेंट से कम हो गया है तो उस केस में आपको ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स सेम होते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस होता है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और वेंटिलेटर दोनों बहुत अलग हैं वेंटिलेटर एक आपका इन्वेजिव वेंटिलेटर है जब अगर पेशेंट बिल्कुल सांस लेना अगर नहीं बंद कर देता है या फिर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है और उसके अंदर वो अक्षमता नहीं है कि वो सांस ले सके तो वेंटिलेटर आपको कृत्रिम सांस देता है जबकि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पेशेंट को अगर ब्रीथिंग का कोई प्रॉब्लम है उसका सेचुरेशन लेवल लेस देन 94 परसेंट है तो इस केस में आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर हो, होता है जबकि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बिल्कुल अलग अलग हैं वेंटिलेटर के अंदर में आपके मोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रेशर मोड वॉल्यूम मोड जबकि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ओनली ऑक्सीजन डिलीवर करता है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सिलेंडर नेबलाइजर एंड स्टीमिंग इन चारों में क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, मैंने आपको बताया है कि 93 टू परसेंट प्योरिटी के साथ में जो ऑक्सीजन है वो आपको डिलीवर करता है इन फॉर्म ऑफ लीटर्स, इधर टू लीटर थ्री लीटर और फोर लीटर अप टू टू टेन लीटर पर मिनट जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो भी आपको सेम ऑक्सीजन ही डिलीवर करता है बट उसमें एक लिमिटेड ऑक्सीजन होती है लाइक like हमारे यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल होते हैं डबल ए टाइप ए टाइप बी टाइप एंड एक जंबो सिलेंडर होता है वो होता है डी टाइप बट उसके अंदर में एक लिमिटेड ऑक्सीजन ही होती है कि आफ्टर आफ्टर फ्यू टाइम्स या फिर कुछ घंटों के बाद में वो आपको दोबारा रिफिल करवाने के लिए आपको स्प्लायर्स के पास जाना पड़ता है जबकि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो होता है वो आपकी जो नेचुरल एयर है उसमें से कंटिन्यूस ऑक्सीजन को निकालता है और पेशेंट को डिलीवर करता रहता है तो उसमें आपको बार बार रिफ़िलिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है अब नैब मैं बात करता हूँ नेबुलाइज़र की नेबुलाइज़र और स्टीमिंग स्टीविंग के अंदर में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो आपका जो डिजिटल वाटर होता है वो जो भाप होते हैं पेशेंट को हम भाप देते हैं स्टीविंग के थ्रू जिससे कि उसकी जो पेशेंट के जो सिक्रेशन वगैरह है अगर कुछ कोई रुकावट आ रही है लंग्स के अंदर में या फिर गले में कोई खराश वगैरह है तो वो सब तो उसको थोड़ा हेल्प करता है पेशेंट को अच्छे से सांस लेने में और लंग्स तक में आपको ऑक्सीजन को डिलीवर करवाने में जबकि जो नेबुलाइजर है नेबुलाइजर में आपके पास में मेडिसिन होते हैं आप मेडिसिन डालते हो नेबुलाइजर के अंदर में और डायरेक्ट आप इनहेल करते हो मेडिसिन को जिससे कि वो आपको हेल्प करते हैं सांस लेने के अंदर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कहाँ रखना चाहिए कोई स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमें यूज हो रहा हो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को यूज़ करने के लिए या फिर उसको रखने के लिए आपको कुछ ऐसी जगह देखनी चाहिए जिसके आसपास एटलीस्ट ऐट दो से तीन फीट का कोई आपको कवरेज ना हो उसमें कोई उसमें कोई रुकावट ना आए कि उसके आसपास कोई सामान वगैरह नहीं रखा हो कोई बल्कि सामान नहीं रखा हो सेकेंडली ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को आपको साफ़ सफाई वाली जगह पर रखना है सो so दैट कि जो पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर है उसमें डस्ट वगैरह का है जिससे कि फ़िल्टर जल्दी जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आपको कम फेस करनी पड़े सेकेंड चीज़ आपको जो मेन चीज़ है वो ध्यान में रखनी है अगर हो सके तो आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को जो यू जो पावर सप्लाई है 220 वोल्ट की आपकी सिंगल फेज़ की वो आपको यूपीएस के ऊपर यूज़ करना चाहिए इन so, केस अगर बाई चांस आपकी कोई पावर फेलर हो जाती है आपके घरों में तो यू के थ्रू तो भी आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को रन कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट को अनइंटरप्टिड ऑक्सीजन डिलीवर आप कर सकते हैं होम यूजेज के लिए कौन सा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेस्ट रहता है होम यूजेज के लिए मैंने आपको बताया कि घरों हमें घरों में जब पेशेंट का सेचुरेशन 94 परसेंट से कम हो जाता है उस टाइम में हमें ऑक्सीजन की की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट के लिए तो इस केस में जो भी आपके पास जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें जो आपको ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 93 प्लस माइनस 3 परसेंट प्योरिटी आपको डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन की वो वाले ऑक्सीजन कंसेंटर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं और कुछ और आपके पास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी बल्कि एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप मत परचेज कर करिए जो भी लाइट वेट वाले हैं कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली मूव कर कर सकें सो so दैट कि जब पेशेंट घर में अगर मूवमेंट करता है तो आप उस टाइम में भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को ए उस आप उसके साथ ले जा सकते हैं एक रूम से दूसरे रूम के साथ में अगर हो सके अगर कोई बैटरी बैकअप वाला भी अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आपको मिलता हो तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहता है और अगर उससे भी अगर बेटर आपको चाहिए हो कि कोई पेशेंट है ट्रैवल कर रहा है उसको बाहर मार्केट में जाना है तो उस टाइम में भी अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास जो जो आपकी कार होती है कार के अंदर में प्लग होता है अगर वो वाला प्लग भी अगर उसके साथ इनबिल्ट अगर मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पेशेंट के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे सेटअप करना है प्लीज़ बताइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर घर पे अगर आपको यूज़ करना है आपको सबसे पहले जो प्रोकेशन लेना है वो ये देखना है कि आपके पास थ्री पिन प्लगटॉप होना चाहिए अगर टू पिन प्लग टॉप होगा तो बार बार निकल जाता है थोड़ा अर्थिंग का भी इशू उसमें रहता है तो प्लीज़ यूज़ थ्री पिन प्लग टॉप उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जहाँ आपने रखा हुआ है उसके आस का एरिया मिनिमम दो से तीन फीट का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए कोई ऑब्स्टेकल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के पास नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको जो जो आपका इन्वायरमेंट से जो एयर है एयर जो शक करता है उसके शक करने की कैपेसिटी वरना उसकी कम हो जाएगी थ्री पिन प्लग टॉप आपको पावर स्विच के अंदर लगाना है लगाने के बाद आपको पावर स्विच ऑन करना है ऑन करने के बाद उसके बाद आपको एक चीज़ देखनी उसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर बॉटल होती है उस ह्यूमिडिफायर बॉटल को अपने निकालना है निकालने के बाद में आप इस ह्यूमिडिफायर बोतल के अंदर में जो डिस्टिल्ड वाटर है आपको डिस्टिल्ड वाटर इस ह्यूमिडिफायर बोतल के अंदर में डालना है डालने के बाद इसमें ऑलरेडी एक लेवल मार्क होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको देखना है कि आपको उसको मिनिमम लेवल से ऊपर होना चाहिए और जो मैक्मम उसे स्लाइटली थोड़ा नीचे होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद आपको इसको काफ़ी इसको टाइटली बंद करना है अगर बाय चांस इसी आपने टाइटली बंद नहीं किया तो यहाँ से ऑक्सीजन लीकेज के चांसेस हो सकते हैं इसको टाइटली बंद करने के बाद इसको आपको प्रॉपर इसके अंदर फिक्स करना है फिक्स करने के बाद आपको अपनी मशीन को ऑन करना है आप देख रहे होंगे एयर बबल्स यानी कि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है ये ऑन करने के बाद आपके पास दो रेगुलेटर हैं मैंने आपको बताया हमारे इंडिया के अंदर में दो तीन तरह के मॉडल्स आते हैं जिसमें ड्यूल ये हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है ये ड्यूल मॉडल के साथ में है इसमें दो रेगुलेटर लगे हुए हैं यानी कि आप दो पेशेंट को सैनिटेश ऑक्सीजन आप दे सकते हो जबकि इंडिया के अंदर में सिंगल मॉडल uh, वाला भी आता है जिसमें कि आप सिंगल केवल एक ही पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो ये हमारा रेगुलेटर होता है इस रेगुलेटर के अंदर में ऑलरेडी मार्किंग है जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव यानी कि मैक्सिमम मैं पाँच लीटर तक की ऑक्सीजन पर मिनट एक पेशेंट को डिलीवर कर सकता हूँ इस रेगुलेटर से आप सेट कर सकते हैं थ्री लीटर आपको डिलीवर करना है फोर लीटर करना है या फाइव लीटर आपको डिलीवर करना है उसके लिए आप देखोगे इसमें एक पॉइंटर है जैसे ही आप जो आप ऑक्सीजन का लेवल अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो, तो पॉइंटर आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है आप देख सकते हो इसमें ऑक्सीजन आपकी जनरेट हो रही है बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं इट मीनस कि आपकी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है मैंने आपको बताया था कि आपकी ये रेगुले ये हमारा एक रेगुलेटर है इस रेगुलेटर से आप सेट कर सकते हो कि पेशेंट को दो लीटर परमानेंट ऑक्सीजन जानी है या फिर चार लीटर जानी है या फिर पा, मैक्सिमम पाँच लीटर पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करनी है इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पॉइंटर है इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को चार लीटर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है या पाँच लीटर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है उसके बाद में इसके रख रखाव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको आसपास का दो से तीन फीट का एरिया आपको नीट एंड क्लीन रखना है उसके बाद में इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है इसको हम एयर फिल्टर बोलते हैं उस फिल्टर को आपको आधर टेन डेज़ में या फ़िफ्टीन डेज़ में या फिर ट्वेंटी डेज़ में आपको उसको क्लीन करना है क्लीन करने के लिए आपको उसको रनिंग जो टैब होता है आपके घर में उस टैब के नीचे आपको उसको क्लीन कर सकते हो उसके बाद उसको आप अच्छे से सुखा के सुखाने के बाद ही आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है ये कोई ये, ये जस्ट एक नॉर्मल फ़िल्टर होता है आपके घर में ए होते हैं ए में जो फिल्टर लगे होते हैं वो भी आपको हर दस दिन या हर दस या पंद्रह दिन के अंदर क्लीन करने पड़ते हैं सेम ये भी ऐसा ही एक फिल्टर है जो आपको क्लीन करना है ये नेज़ल कैनोला है अब मैं बताऊंगा आपको इसको अच्छे से कैसे लगाना है पेशेंट के ऊपर में नेज़ल कैनोला को आपको लगाने के लिए आप उसको नेजल के अंदर डालिए नोज के अंदर ईयर के पीछे से ट्यूबिंग्स को लेके आना है यहाँ पे ये टाइट करने के लिए आपके पास दिया हुआ है इसको अच्छे से आपको टाइट करना है सो तो दैट कि निकलने के चांसेस ना हो जहां तक आप इतना भी टाइट ज्यादा आपको टाइट नहीं करके आपको अनकम्फर्टेबल लगे आपको अपना कंफर्टेबल लेवल देखते हुए इसको थोड़ा सा टाइट कर देना सो so दैट की लीकेज के कोई चांस ना आ रहे उसके बाद में जो आपका आउटलेट है इस आउटलेट के ऊपर आपको ये डिल लगाना है इसको भी आपको टाइटली लगाना है लगाने के बाद आपको मशीन को ऑन करना है और पेशेंट को जो ऑक्सीजन है वो डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा मशीन को ऑन करने के बाद में आप देखोगे कि जो बबल्स हैं वो उठ रहे हैं और ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को कैसे साफ करते हैं और कितना ऑफन हमें साफ करना चाहिए उसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को साफ करने के लिए आपको क्या करना है? हर एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के पीछे एक फिल्टर होता है एयर फिल्टर वो एयर फिल्टर आपको देखना है कि अगर आपका इन्वामेंटल कंडीशन अगर ज़्यादा ही खराब है आपके आसपास के एरिए के अंदर में तो वो फिल्टर आपको रेगुलरली या तो विद इन वन वीक के अंदर या फिर टेन डेज़ और फिफ्टीन डेज़ के अंदर आपको उस एयर फिल्टर को नॉर्मल जो आपका रनिंग टैप वाटर है उससे क्लीन करके दैन उसको आप धूप में या फिर नॉर्मल एयर के नीचे आप उसको सुखा के उसको दोबारा उसमें उसको फिट कर देना है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के अंदर में उसके अलावा साफ़ सफ़ाई में आपको मैंने बताया कि जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है उसका जो आपको जो डिस्टिल्ड वाटर आपने उसमें डाला हुआ है वो आपको हर 24 घंटे के अंदर आप उसको उसको निकालना है और एक नया डिस्टिल्ड वाटर आपको उसमें फिल करना है अगर हो सके तो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है उसको आपके घर में एक बर्तन ले और जो आर वाटर होता है उसको बॉयल करके ह्यूमिडिफायर बॉटल को और जो नैजल कैनोला है दिन में एटलीस्ट एक बार भी आपको उसमें उसके अंदर बॉयल करना है नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर में फोर्टी टू फोर्टी डिग्री टेम्परेचर के आसपास में आपको उसको बॉयल करना है 5 टू 10 मिनट्स के लिए फिर उसको निकाल के आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच विद फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स दे कैन बुक द अपॉइंटमेंट थ्रू द नंबर स्लैशिंग ऑन द स्क्रीन ऑल्सो दे कैन पुट देयर क्वेरीज इन द दॉमेंट सेक्शन बिलो also people please don't forget to get yourself and your family members vaccinated it's really important stay safe and stay healthy the